गांव वाले समझ नहीं पा रहे यू लड़का बोल रखे है। तो उन्होंने सोचा, आप पर निष्कर्ष निकाला, अगर गांव वाले उन्होंने कहा भाई इसने कोई जादू जंतर का दूध पी लिया बाबा जी का, सिद्धि का, जंतर मंत्र का, जिस कारण से लड़का मेंटल हो गया। आप बोल रहे, आप बोलो उसने मेंटल के अन्यो ना बेरा, वो तो भगवान की महिमा गुणगान कर रहे थे। तो गांव वाले गरीबदास साहेब जी द्वारा बोली गई इस अमृतवाणी को समझ नहीं पाए और गरीबदास जी को मेंटल कहने लगे, बावड़िया नाम धर लिया। गरीबदास जी को 10 वर्ष के बालक को बावड़िया कहने लगे, पागल मेंटल ओए होए। और किसी को बताने की चेष्टा करते हैं गरीबदास जी के ऊपर, मैं अभी सुनो महेश से ऊपर और शक्ति है, मैं आंखों देख कर आया हूँ, वो भगवान स्वयं यहाँ आए थे, मुझे सतलोक लेकर गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतीति से मुझे परिचित कराया है, धर्मराज के दरबार में भी मैं गया हूँ, मैं भगवान के साथ था, धर्मराज ने भी कुर्सी छोड़ दी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस भगवान के सामने करबद्ध खड़े हो गए थे, वो कुल मालिक है। और वही बनारस में, वही काशी में जुलाहा की भूमिका करके 120 वर्ष यहाँ रह कर गए हैं, वो धारणक परमात्मा धारणक रूप में यहाँ रहे हैं। इस बात ने फिर कतिये ना माने गांव वाले, नो कह यू तो लड़का मेंटल है, बाबा जी की फटकार लाएगी इसके, हैं और कोई भूत प्रेत दिखा होगा इसने, वो काशी वाला बाबा जी जो है वो जुलाहा धारणक प्रेत होगा, वो इसने फेंट गया, इसका फटकार मार गया और उसी के गुण गाने लग गया। ये किसी गांव वाले ने उस देखा भी नहीं, सुना भी नहीं, एक अक्षर भी नहीं सुना। इस प्रकार 3 वर्ष बीत गए। जब 13 वर्ष के गरीबदास साहेब जी हो चुके थे, उस समय एक गोपाल दास नाम के दादू पंथी संत, जो बनिए के घर का जन्म था उसका और 60 वर्ष के आसपास, 60 से ऊपर उसकी आयु हो चुकी थी, घर त्याग करके वो दादू पंथी हो चुका था, लाल सफेद लाल से कपड़े पहन रखे थे, साधु वाली वेशभूषा में रहता था। तो वो गोपाल दास जी छुड़ानी में आ गए गाँव में और एक भगत के यहाँ रुक गए। पहले साधु संतों का सत्कार बहुत किया करते ग्रामीण सभी आदमी, और उनसे मानते थे कि इनमें कुछ करामात न्यारी होती है, इसलिए जिसके घर वो दादू पंथी गोपाल दास जी आकर रुके, उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी एक हमारी छोरी का छोरा है, यानी लड़की का लड़का, हमारा भांजा है, बहन का लड़का, और उसको किसी बाबा जी ने कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया अपनी शक्ति से और जंतर मंत्र करके वो दूध लड़के को पिला दिया, उसके बाद वो मर गया था, या तो भगवान ने उसके माँ बाप की पुकार सुन ली, वो लड़का वापस जीवित तो हो गया पर वो मेंटल हो रहा है, वो पागल हो गया। महाराज जी कहा करें संत की विद्या को संत ही काट सकता है, आप कृपा कर दो तो हम निहाल हो जावें, उनके माता पिता बड़े खुश होंगे, और बहुत बड़े किसान का वो देवता है। तो दादूपंथी संत गोपाल दास ने कहा कि लाओ बुला के, कोई बात है, ये तो कोई बात है को नहीं, अब बुलाओ उसको। अब वो व्यक्ति गया उस चौधरी शिवलाल के पास, जो गरीबदास जी के नाना जी थे, उनसे कहा कि भाई, कहा कि ऐसे ऐसे बात है, हमारे घर पर एक संत आ रहा है और वो कहता लड़के न ठीक कर दूंगा। शिवलाल जी और भी 2-4 और उनके घर के लड़के को लेकर वहाँ पहुँच गए, छोटा ही गांव था, 40-50 घर थे मुश्किल से, वहाँ गए तो जाकर गरीबदास जी खड़ा कर दिया, महाराज जी वो बैठे थे दादू पंथी तकत पर चारपाई पे, तो कहा कि ये है जी वो लड़का, लड़की का लड़का गरीबदास, और ये मेंटल हो गया।
उस दादू पंथी गोपाल दास ने पूछा, बेटा वो कौन था जो तुझे मिला, क्या नाम था उसका, उसने क्या कुछ कर दिया तेरे ऊपर। अब वो लगे सुनान, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेदन पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं बार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहार। काफी देर तक परमात्मा की महिमा को गरीबदास जी अपनी वाणी में सुनाते रहे। अब दादू साहेब जी जो थे, आदरणीय दादू साहेब जी को भी परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे आदरणीय गरीबदास साहेब जी को मिले। दादू साहेब जी उस समय 7 वर्षीय बालक थे और परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे उसी जिंदा महात्मा के रूप में, एक वृद्ध अवस्था के रूप में, वृद्ध अवस्था यानी 50 साल 60 साल से ऊपर एज में, और साधु जिंदा महात्मा के रूप में। और उनको फिर अपना जल पिलाया था, उनसे भी ये ज्ञान सुनाया था, उस बच्चे की बड़ी उत्सुकता बन गई थी। और दादू साहेब जी को भी परमेश्वर स्वयं साथ लेकर के ऐसे गरीबदास जी की आत्मा की तरह सचखंड लेकर गए थे, सतलोक लेकर गए थे। पीछे से दादू जी बेहोश हो गए थे, अचेत हो गए थे, मरे नहीं। 3 दिन और 3 रात तक दादू जी बेहोश पड़े रहे, घरवाले चारों तरफ बैठे रहे। उस समय ये डॉक्टरी इलाज नहीं था, नहीं तो कित ICU में भर्ती करा दूँ। तो 3rd दिन वो बच्चा फिर एकदम खड़ा हुआ और चारों तरफ देखा, ओहो हो, ये तो वो भगवान। तो वहाँ वो भी फिर ऐसे ही वाणी बोलन लग गए थे। इस वाणी से वो परिचित था, कौन, गोपाल दास। अब दादू साहेब जी ने भी परमात्मा कबीर जी की महिमा कलम तोड़ बता रखी है, गाई है, सुनाई है। तो दादू साहेब जी ने भी ऐसे ही, जैसे गरीबदास जी ने वाणी बोलनी शुरू कर दी, ऐसे ही उन्होंने भी वाणी बोलनी शुरू की थी। और क्या सुनाया था दादू जी ने, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूं कैतन आवे पार। कबीर करता आप है दूजा न कोई, दादू पूर्ण जगत को भर भक्ति दृढ़ावत सोए। ठेका पूर्ण होवे जब सब कोई तज शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाह। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, ब्रंगी सत कबीर ने कीन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल न आवे माथ, दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज,
दादू भजन प्रताप से वो भागे सुनत आवाजो। पल एक नाम कबीरी का दादू मन चितलावे, आथी के असवार को ये स्वान काल ना खावे। सुमरत नाम कबीर का ये कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचे होए फिर परमानंद सुख सीर। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ऊटे, उनको कभी लागे नहीं ये काल बज्र की चोटे। और संत सब कूप हैं ये केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। कोई सरगुण में रीज रहा कोई नरगुण ठहराए, दादू गति कबीर की मोसे कही न जाए। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काल, नाम भरोसे नर चले हो न बाका बाल। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। बुनात्माओं, अभी तक हमें परमात्मा की डेफिनेशन का कैख का पता नहीं था। वो स्वयं आते हैं परमात्मा, इस काल के अज्ञान को हटाते हैं और ऐसा ज्ञान दे जाते हैं कि फिर इस काल के अज्ञान का उसके सामने कोई अस्तित्व नहीं रहता। और ऐसा तीखा ज्ञान है परमात्मा का, और ज्ञान सब ज्ञान डी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का इब करता चले मैदान। अब ये मैदान कर देगा इन अज्ञान के, जितने भी दीवारें ने अड़ा रखी हमारे बीच में अज्ञान की, ये सब अज्ञान समाप्त हो जाएगा प्रभु के इस तत्व ज्ञान रूपी ज्ञान के गोले से, तोब के गोले से। अब वो दादू पंथी जो गोपाल दास था, उसको इतना भ्रम था, दादू जी ने क्या कहा था पहले जब दादू जी को मिले थे परमात्मा, तो उसमें दादू जी को सतलोक से वापस लाकर छोड़ दिया था। तो वो ऐसे बाणी बोलते रहे कि मुझे भगवान मिला था, बूढ़ा बाबा मिला था, एक बूढ़ा बाबा मिला था वो खुद भगवान था, वो मुझे फिर कब मिलेगा। और उसको वापिस छोड़ा जब कहा था बेटा मैं तुझे फिर वहीं मिलूँगा तू जा। जब वो दादू जी 2-3 वर्ष के हो गए थे, 10 वर्ष के हो गए, तब उन्हें कहा भगवान अब मुझे रहा नहीं जाता, आपने कहा था मैं मिलूँगा, आप मिले नहीं। गुजरात के अंदर एक सांभर नदी है, सांभर नदी के ऊपर उसने सोचा कि इसका मां डूब कर मर जाऊँ, इसका अच्छा था आत्महत्या कर लूँ, भगवान मिल नहीं रहा। जो ही उसने टक्कर मारी एकदम मरने के लिए, परमात्मा सामने खड़े हो गए, उसको हाथों में उठा लिया। तब उनको बताया कि मैं वो कबीर हूँ जो बनारस में 120 वर्ष काशी में जुलाई की भूमिका करके चला गया। तो उसके बाद की वाणी भी दादू जी की उनकी वाणी में है, और उससे पहले जो बोलते थे वो एक बूढ़ा बाबा रूप में मिले थे मुझे। तो वो गोपाल दास जी इस बात से परिचित तो था कि दादू जी को भी भगवान ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास जी को लेकर गए वापस छोड़ा, लेकिन दादू जी तो बूढ़ा बाबा बताया करते थे। तब गरीबदास जी ने बताया कि वो उनकी वाणी में बाद में जब उनको मिले फिर वो सच्चाई पूरी बताई, और वो भी वाणी दादू जी के ग्रंथ में ये लिखी हुई है जो दास आपको पढ़कर सुना रहा है। अब क्या बताया परमात्मा के विषय में दादू जी ने, जो जो शरण कबीर की तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ताक हूँ कैतन आवे पारे। कहते हैं गरीब जो भी परमात्मा कबीर जी की शरण में आए हैं ना जाने कितने पार हो गए, और कबीर जी की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ, मेरी जीभ उस योग्य नहीं है जो उस परमात्मा की जो महिमा बखान कर सकूँ, इतना उनकी इतनी महिमा है।
क्या बताते हैं कि